लेजी द ग्रेट इंडियन कपल शो आ गया है, अच्छा? उसका ऑफिशियल ट्रेलर चेक करें जी, देखते हैं। तू यही बातें होती है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। जिसके पेट में बात पचती नहीं है। बोलो लग रहा है कोई सीक्रेट बोल रहे हो, मुझे किसको तो बोलना पड़ेगा। माँ बेटा मेरे भी बहन बाहर निकल गई, लेकिन बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार। रोहित शर्मा भी आया। एक्चुअली बहुत खुश होते हैं जब टीम में इतना गाली खाते हैं और जब ऑपोजिट में ऐसा विकेट लेने को मौका मिलता है। मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये शो अनाउंस हुआ ना भाजी कि इतनी कंट्रीज में आएगा, ये भी मेरे को भी पक्का यकीन हो गया कि ये शो मेरे लिए वो कर सकता है। तो वो आपकी वाइफ बैठ गई थी उधर जी, आपके लिए मैं उधर बैठना चाहती हूँ उनके बगल। क्या कमी थी मेरे में, ये दे रहे हैं आपको दो आलिया भट्ट को। अगर कोई चीज पूरी फैमिली के लिए फिट है तो हिंदुस्तान में हिट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा शो सीक्रेट हो तोहफा कबूल करो, सुपर हिट सर, सुपर हिट। क्या बात है, देखो भाई देखो, नेटफ्लिक्स पे देखना नहीं भूलना। 6 बजे नहीं 7 बजे नहीं 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है। नहीं आठ आओ, 8 बजे आएगा, 8 बजे आएगा सैटरडे को। क्या बात है यार। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक। हमें तो बड़ा इंतजार था इसका, इसके बगैर तो हमारे वो जो वीकेंड नहीं गुजरता था जब तक ना देखे कपिल। अच्छा एक चीज नहीं समझ आई, लेकिन ये एक ही पहले ही एपिसोड में इतने सारे आ जाएंगे वो मेहमान? नहीं, बहुत सारे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए हैं और उन सबका बारी बारी हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाया उन्होंने कि ये सब आ चुके हैं, इनके अब तक के टीजर दिया है उन्होंने। टीजर है उसका। लो जी बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत मजा आया। खास तौर पे वाकई आपने जैसा बहुत खुशी की बात है, जो मेन बात थी वो बहुत सारी परेशानियां टेंशनें दूर हो जाती है कपिल शर्मा शो देख के। और वाकई कपिल शर्मा एक ही है, उसका शो जो है वाकई मजाया, उसमें और कोई दूसरा अभी तक नहीं कर सकता वैसा। नहीं दो चीज़ें इसमें मेन जो मुझे हुई हैं, वो एक तो आपने कही जो के एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो यही कि सुनील ग्रोवर गुत्थी, खास तौर पे गुत्थी का कैरेक्टर हाँ, और वो भी देखना चाहूँगा मैं जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी अगर वो आ जाए तो वो ही बन जाए। तो दूसरी बात यही कि यानी कि जो फैमिली के लिए फिट है वो हिट है, ये वाली बात जो ताना हाँ, सारी फैमिली देखती है और सभी एज ग्रुप के लोग जो है उसे पसंद करते हैं और सारे इकट्ठे हाँ, बैठ के। लेकिन एक कमी मुझे भी अभी भी महसूस हुई है उसमें। क्या भला? वो जो एक मोटे से आते थे वो आया है वो भी हाँ, अच्छा, वो हाँ, हाँ, भैंस लेके जो आते हैं, अच्छा वो भी है। अच्छा क्या था उसका, ठीक है क्या था, पता नहीं बिट्टू क्या पता नहीं क्या वो एक होता था, याद नहीं आ रहा उसका। पर उसका एक तो वो वाला था ना जो वो जो ताली बजाता था, यानी कि वो वही काफी सारे कैरेक्टर करते हैं ना, तो वो उसका एक तो वो हाँ। उसका वो था और दूसरा वो मैं तो ब्यास लेके आते हैं बच्चा बच्चा पता नहीं इस तरह से कुछ हाँ। इस तरह का शायरी भी सुनाते हैं तो वो ब्यास आने के आते थे। लेकिन बार बहुत मजा आने वाला है और अभी भी अच्छा लगा है हमें तो। ट्रेलर देखें, इंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दो मियां तक रब रखें, अल्लाह हाफिज़।